तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का श्रावण मास का ग्रुप वाला पोस्टर एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस बना रही है हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PLP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जी फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जी फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर 4 स्टेप में देखने को मिलेगा। तो बिना स्किप के वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग भी ऐसा पोस्टर बना सको। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल ऐप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको ऊपर की तरफ राइट साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा ओपन डॉट PLP फाइल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा PLP का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे तो ये तो इस पोस्टर को डाउनलोड करके उसके जी फाइल को पासवर्ड डालकर एक्सट्रैक्ट करोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर आएगा। तो आप डाउनलोड करोगे तो आप सबसे नीचे की तरफ आएगा। तो मैं पिक्सल ऐप बनाया हूँ, तो चलो पिक्सल ऐप ओपन करते हैं। तो पिक्सल ऐप ओपन होने के बाद कैसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा श्रावण मास ग्रुप पोस्टर फॉर PLP करके, तो उस पर आपको क्लिक करके ओपन एंडेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल साइक और बैक आ जाना। और बैक आने के बाद कैसे देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर कुछ इस प्रकार से श्रावण मास का ग्रुप वाला ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 3 फ्रेम को ऐड किया है, जिसमें मैंने एक भी फ़ोटो नहीं ऐड किया है। तो अगर आप लोग इसमें अपना फ़ोटो ऐड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इस वाला ऑप्शन पे आना, इनपुट पर क्लिक करना। और जैसे इनपुट पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लग जाएगा। तो वहाँ से आप लोग कोई सा भी एक नॉर्मल फ़ोटो भी सेलेक्ट कर सकते हो, या आपके पास PNG फ़ोटो होते हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक नॉर्मल फ़ोटो आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। करने के बाद आपको एक्स्ट्रा पार्ट को कटआउट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। और एक्स्ट्रा पार्ट को कटआउट करने के बाद यहाँ पर आपको एक सही का निशान मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना। और यहाँ पर एक रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करके इस फ़ोटो को रोटेट कर देना है। और यहाँ पर आपको एक बड़ा सर्किल मिलेगा, वाइट सर्किल, तो उसको पकड़ करके आप इस फ्रेम के हिसाब से इस फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना। तो देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो को सेट कर दिया। तो इस तरह से बारी बारी से इन सभी फ्रेम में अपने किसी का भी फ़ोटो ऐड कर लेना है। और पोस्टर पूरी तरह से बन जाने के बाद सेव करना है, तो ऊपर की तरफ आपको एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है सेव एज इमेज। और एक ऑप्शन मिलेगा सेव टू गैलरी, तो उस पर आपको क्लिक करते हैं आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।